चल रहा था, जबकि राधा कृष्ण का वहाँ कोई काम नहीं था, वहाँ था गोरदेव का। तो ये गेंद छोड़े गए, कई अंधों का, कई भिखारियों का, कई साधु संतों का, पूरे देश में चल रहा है, यही नहीं पूरे देश भर में, और खास तौर से वहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, क्योंकि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो आप लोग आदिवासी पुरखों के वंशज है, ये देश आदिवासियों का रहा है, आदिवासियों का राष्ट्र था, आदिवासियों का राष्ट्र है, और आदिवासियों का राष्ट्र ही रहेगा। लेकिन हमें एकजुट होकर एकता के साथ अपनी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां, जो भी मनमुटाव है, उनको साइड में करकर समाज के लिए सोचना होगा, समझना होगा, तभी जाके हम समाज के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए वो पहचान स्थापित करके जाएंगे। जो पुरखों ने जंग लड़के हमें एसटी के रूप में स्थापित किया था, हमें आसानी से किसी ने दर्ज नहीं किया था। बिरसा मुंडा ने 25 साल में बलिदान दिया था 1900 में, तब जाके हमें जल जंगल जमीन का अधिकार मिला था। जो लोग उदाहरण देते हैं कि संविधान से हमें मिला है, अरे संविधान से क्या, संविधान से पहले हमारे बाप दादाओं ने इस देश को बनाया था, और यहाँ हमारा कबीला ही सब गढ़ है, पूरा इतिहास, पूरे किले, पूरे महल, पूरी पावड़ियां हमारे पुरखों की है। चाहे गोंडवाना में चले जाए, चाहे बिलिस्तान में चले जाए, चाहे मत्स्य राज में चले जाए, चाहे किसी भी प्रदेश में चले जाए या नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, तो वहाँ के आदिवासियों का वर्चस्व आज भी वहाँ है, और इतना बड़ा वर्चस्व है कि अनुसूचित 6 के माध्यम से आप वहाँ एंट्री नहीं कर सकते, उसके लिए परमिशन लेनी होती है, बॉर्डर पास लेना होता है, तब जाके एंट्री होती है। तो आप अपनी जो रूढ़ी व्यवस्था या पैसा कानून है, अनुसूचित 5 और 6 आज तक देश ने लागू नहीं किया ठीक तरीके से, और पैसा कानून को आपको 2022 में 15 नवंबर को घोषित करके उसको बिल्कुल खोखला करके आपको सामने पेश कर दिया, जिसे राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को पेश किया है। ये सच है, पैसा कानून का उतना ही सच है जैसे हमारे समाज की राष्ट्रपति है। आज तक कुछ किया आप लोगों के लिए? आदिवासी भाषा संस्कृति आदिवासी दिवस पे आपको बधाई दी? आदिवासी दिवस पे आदिवासी महिला राष्ट्रपति होते हुए आदिवासी समाज को जो बंदा बधाई नहीं दे पाई, जो महिला बधाई नहीं दे पाई, सोचिए वो आदिवासी समाज के लिए कितनी हितैषी है। जबकि वो राष्ट्रपति भवन में गई है तो उन्होंने अपना शुद्धिकरण करवाया है, मंत्रोच्चार करवाया है, गायत्री का पाठ करवाए हैं, तो क्या उनसे हमें खाने को मिल रहा है? आपको हमें हमारे घरों में उनसे खाने को मिल रहा है? वो राष्ट्रपति बनी है सिर्फ रबर स्टैंप के लिए, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के लिए, क्योंकि ये देश की कल्पना वो काल्पनिक देवताओं के माध्यम से कर रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। तो मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगी उनके ग्रंथों पे, जिन ग्रंथों में हमारे पुरखों को असुर दानव दैत्य के रूप में स्थापित किया है, हमें उन ग्रंथों को भी खारिज करना चाहिए। क्या हम असुर दानव दैत्य हैं? हम लग रहे हैं कि जिन्होंने वो स्थापित किया उस तरीके से, आज कोई भी बच्चा या कोई भी महिला जो गैर आदिवासी है, जब उनको हम कहते हैं हम ट्राइबल हम आदिवासी हैं, तो पता है क्या बोलते हैं? आप आदिवासी हैं? लगते ही नहीं। तो फिर मेरा जवाब होता है, आपने अपने ग्रंथों में जो पढ़ा है वो सच नहीं है, सच हम है। सच अब आपको जानना होगा, और पूरे भारतवर्ष को जानना होगा, जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी वैसे नहीं है जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं, आदिवासी वो है जिसने भारत बनाया है, आदिवासी वो है जिन्होंने अपनी रियासत देकर इस भारत का निर्माण किया है, और आदिवासी वो है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरे विश्व की सबसे वर्चस्ववादी, सबसे शक्तिशाली और सबसे भौतिक संपन्न सभ्यता का विकास पूरे वर्ल्ड में दर्ज करवाया है, उसमें सभी आदिवासियों का सहयोग रहा है। तो हमें अपनी बोली भाषा और संस्कृति के साथ जनगणना कोलम की भी डिमांड अब सबको मिलजुल कर करनी होगी। कोई नेता नहीं आएगा, कोई राजनेता नहीं आएगा, कोई राष्ट्रपति नहीं आएगी आपको बचाने के लिए। आपके पुरखा जिस तरीके से लड़े थे प्राकृति और प्रकृति शक्ति के साथ, उसी तरीके से आपको अपनी सूझबूझ के साथ संगठित होकर, बिरसा मुंडा सिर्फ 8वीं 9वीं पढ़े थे, सोचिए वो हमें जल जंगल जमीन का अधिकार दिला गए। आप और हम कितना पढ़े लिखे हैं, तो हम क्या नहीं दिला सकते आने वाली पीढ़ियों को? सोशल मीडिया हमारे पास है, हमारे पुरखों की अपनी अपनी मातृभाषाएं थी, वो किसी क्षेत्र में जा भी नहीं सकते थे, लेकिन आज आप और हम जा और आ रहे हैं, और सोशल माध्यम से हम संपर्क भी कर रहे हैं। तो ये हमारी एकजुटता पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधेगी, और आदिवासी पहचान को वास्तविक रूप में दर्ज करवाएगी। इसीलिए जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सिख सबको जो कॉलम मिला हुआ है, हम आदिवासी
आदिवासियों को वे आदिवासी या ट्राइबल कोलम के रूप में एक पहचान मिलनी चाहिए जो हमारी छीनी गई है देश आजाद हुआ है तब से। ये सच्चाई सबको जाननी चाहिए और इसके लिए सबको अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना सहयोग भी समाज के लिए करना चाहिए। नहीं तो हम आएंगे जीवन जिएंगे जानवरों की तरह और चले जाएंगे, कोई भी नहीं पूछने वाला, ना कोई हमारे बच्चों को बचाने वाला है, आने वाली पीढ़ियों को कोई नहीं बचाएगा। आप और हमारे सहयोग, जैसे पुरखों ने जो सहयोग किया, जो बलिदान किया, आज हम उनको इस तरीके से स्मृति रूप में लगाकर उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। आने वाले समय में हम भी कुछ कर गुजर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी संघर्ष करने की प्रेरणा लेंगे। तो आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर हम आदिवासी ट्राइबल कोलम की मांग करें। 2011 की जनगणना हो चुकी थी, उसमें हमारी जो आबादी है वो 10.8% बताई गई थी। 2021 की जनगणना नहीं हुई क्योंकि कोविड आ गया था और सरकार को भी साजिश रचने का बहुत समय मिल गया, वो आपदा को अवसर में बदल रही है। स्टेचू ऑफ यूनिटी भी बनाई है उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बहुत बड़े बड़े स्टेचू बना रही है, वो शंकराचार्य के बना रही है, राम का बना रही है। क्या देश की आज़ादी में इनका योगदान था? कौन सी जंग लड़ी थी इन्होंने? देश को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, मूलभूत आवश्यकता चाहिए, ये स्टैचू चाहिए। ये स्टैचू इसीलिए लगाया जाए ताकि आप अपना इतिहास और वर्तमान भूल जाएं। जब विज्ञापन आता है किसी चीज का, आपको पता है कि ये सही नहीं है, ये भटका रहा है, तो वो विज्ञापन वाली चीज है ये स्टैचू। जब बार बार आप वहां से गुजरेंगे, बार बार उस माहौल में रहेंगे, जैसे कोई घंटी बजती है तो आपके कान अपने आप खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ने लग जाते हैं, लगते नहीं लगते, वो साइकोलॉजिकल हो जाता है हमारे दिमाग में। तो ये घंटे घंटे इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको मुंह बधिर बनाया जा सके, क्योंकि आपके क्षेत्र में ये चीजें नहीं है, वो वही डाल रहे हैं ताकि आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाकर आपकी अस्मिता, आपका इतिहास और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी वो लूट पाए, जैसे देश को वो सरेआम बेच रहे हैं। क्या आप लूटने देंगे? तो इतनी ही गुजारिश है मेरी, बातें बहुत सारी है और भी वक्ता है, समय उसी तरीके से चला जा रहा है। अगर आप लोगों को कहीं संशय हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछिए। मैं आप ही के समाज की बेटी, बहन या एक हितेशी या कुछ भी समझिए, अपना मित्र समझिए, बेझिझक पूछ सकते हैं।